इन दिस केस बोथ विल फेल साइमल्टेनियसली. ठीक है, एट द सेम टाइम व्हाट डू यू नो हियर, व्हेन स्टील इज गोइंग टू फेल मींस स्टील जो होगा वो अपने कैपेसिटी पे पहले पहुंचेगा, मींस स्टील विल रीच टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस फर्स्ट. स्टील के अंदर जो भी एक्चुअल स्ट्रेसेस होंगे इन दिस पर्टिकुलर केस वही आपके मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएंगे. सो हियर योर टी ए विल बिकम सिग्मा एस टी. ओवर रिइंफोर्स केस में क्या होता है, रिइंफोर्समेंट इज मोर, कॉन्क्रीट इज लेस. सो कॉन्क्रीट विल फेल फर्स्ट और कॉन्क्रीट विल अटेन इट्स कैपेसिटी फर्स्ट, और जो सबसे टेक्निकल टर्म है कॉन्क्रीट विल अटेन इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस फर्स्ट. सो दैट्स मीन कॉन्क्रीट में एट द टाइम ऑफ फेलियर जो भी आपके एक्चुअल स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा सीबीसी के बराबर. अभी रही बात इसकी, तो ये इससे कम होगा एनी ईयर, टी ए विल बी लेस देन सिग्मा. ये पिक्चर क्लियर है? तो ये पूरा लॉजिक है, इसको लेके आपको फॉर्मूला यूज करना है, अपना काम करना है, राइट. बाकी चीजें मैं हटा देता हूं इसमें से, राइट. सो नाउ लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम. फटाफट अपना अपना कैलकुलेटर हाथ में रखो, बिकॉज आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, आई एम जस्ट हैविंग द प्रॉब्लम्स ओनली. सो व्हाटएवर यू विल टेल मी आई विल राइट इट ओवर हियर. सॉल्यूशन, सो व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स. नंबर वन, लुक एट द गिवन डेटा. Here it says effective means your, say number one, first of all you will write given data, okay. Is it clear how you will start the problem? Here you know B is 300 mm. It says effective means B is 600 mm with tensile reinforcement directly diya hai. And what is said? Is provided with tensile and compressive reinforcement of 1 to 5, 6 each. Means your AST is how much? Also, your AST is how much? Got it? Yeah, that clear? Further, what does it say? Compressive steel is placed 30 mm from the top edge of the beam. It means that your D dash is how much? 30 millimeter. Got it? At the same time, sigma CBC is 7 Newton per mm square. Sigma ST is 190 Newton per mm square. And modular ratio M is 13.33. So you are comfortable with given data. Now what we are supposed to do? Find the moment of resistance. क्या बोल रहा है वो? Compression steel. Compression steel means AST is placed 30 mm from the top edge of the beam. तो वो ये indicate कर रहा है. Let me do it over here. Figure भी बनाई लेते हैं, चलो ठीक है. This is your beam, right? Here, this B is 300. यहाँ पे आपको बार नहीं दिए, सीधा बोला है कि यहाँ पे आपका AC है. तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. This is my. बराबर. He already AST का सेंटर जो है, it is at इफेक्टिव बोला है, बराबर. मीन्स जो 600 है वो कहां से लेके कहां तक है? इट इज फ्रॉम हियर टू, फ्रॉम टॉप फाइबर टू सेंटर ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट. व्हाट डज इट सेइंग ओवर हियर? द कंप्रेसर स्टील इज प्लेस 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप एज. टॉप एज कहां पे है? तो यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर अज्यूम कर रहे हैं, और कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं, और साथ में बार का डायमीटर वगैरह भी पता नहीं है, इसलिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ये मुझे प्रिसाइसली वहां पे लिखना चाहिए था कि जो कंप्रेशन स्टील है उसका जो सीजी है वो 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर पे है. ठीक है, तो हियर दिस आई एम अज्यूमिंग एज 30. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली योर डी, दिस इज एक्चुअली योर बी, एंड दिस इज एक्चुअली योर डी डैश. ठीक है, हो गया यहाँ तक. नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट MR. MR depends on three things.
ओ आर बैलेंस और यू आर। अभी ये जो तीन चीज है ये किस पे डिपेंड करती है? एक्स ए एंड एक्स सी पे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो इन दिस ऑर्डर। समझ में आया क्या करेंगे हम लोग? सो नंबर वन, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट xc. सो xc इज व्हाट? सो xc इज इक्वल्स टू m 13.33, c का वैल्यू 7। दो तीन लोग साथ में सॉल्व करते रहना। सिग्मा एस टी 190 दिया ना, हाउ मच आई एम गेटिंग? अदर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर 190। जिनका ये हो गया अगला इक्वेशन लिखो और सॉल्व करने लग जाओ। So this is the first thing. Number two, calculate xa. Number two, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, what is xa, actual depth of neutral axis, वो सब नहीं लिख रहा हूँ। So now, calculate xa. How you will do it? So for xa would be b into xa square plus 1.5 m minus 1 into AC into D minus, sorry, हमेशा ही गलती, into XA minus is equals to am I right? Have you written the same equation? Yes. So now B is So B is 300, XA square by 2 is unknown, plus 1.5 into minus 1 into AAC is 1256 into XA is unknown minus 30 is equals to M is 13.33, this is 1256 into D is 600 minus XA. बाकी लोग का भी आ रहा है क्या? Just cross check the answer. पहला वाला सेम आया दो तीन लोगों का? So on solving, yes, can any two student confirm me? 1 okay, so what do you conclude from here? So let me write a statement. What you can write as XA is less than XC, section is right, therefore sigma CBC will be same as CA and TA will be, so यूज ये अपनी लास्ट लाइन थी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूज एमआरसी फॉर्मूला, ठीक है? क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? बिकॉज आई नो कि मेरा कॉन्क्रीट पहले फेल होगा, ओवर का भी देखेंगे प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? सो नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। सो नंबर थ्री, कैलकुलेट एमआर, ठीक है?
So what is the equation for compression side? So MR must be V into C, मतलब sigma CBC, okay? Into plus force into stress, sorry, area into stress will become force. अभी complete है, ठीक है? यहाँ पे C dash आएगा into D minus D dash, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ known है except C dash. So, उसके लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है आपका, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज योर सी, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है दिस इज योर सी डैश, ठीक है? अगर आप इसको, मैं जूम करके लिख देता हूँ, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, सो एक्चुअली दिस इज योर, ये क्या है आपका D डैश, ठीक है? और ये है आपका पूरा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कहां से D आएगा, X से, ठीक है? अगर आप यहां पे सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो व्हाट यू कैन राइट दैट इफ यू विल अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल ओवर हियर, व्हाट यू कैन राइट, या आप लोग इसको पहले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. सो यू कैन राइट सी is correspond to XA and C dash is correspond to XA minus D dash. सारे वैल्यू पुट कर दो. C is 7. क्यों है बताने की जरूरत है? ऊपर और ऊपर लिखा है ये, ठीक है? ये भी लिख देता हूं. ठीक है, तब तक कैलकुलेट करो. वो 7 से कम बारे में तो बराबर है, ठीक है? XA, so this is XA कितना था, 164 ना, ठीक है? is equals to C dash is unknown upon 164 minus 30. so on solving you are getting C dash is equals to कितना, 5.5, समझ में आया क्या किया मैंने? तो ये कहने का मतलब क्या है, दैट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दिस, इसका सिग्निफिकेंस देख लो. व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट ओवर हियर, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज एक्चुअली योर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, बराबर, क्लियर है? ये रहा आपका स्ट्रेस डायग्राम, ऐसा कुछ. यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो क्या है, सी, और इसके लेवल पे जो स्ट्रेस रहेगा वो क्या है आपका, सी डैश. तो सी डैश क्या है, 7 से कम है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया कि द प्रोफाइल इज ट्रायंगुलर, जीरो न्यूट्रल एक्सिस पे, मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर पे. मैक्सिमम कितना है 7, मिनिमम कितना है 0, और इन दोनों के बीच में लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके क्या किया, सी डैश का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है? तो ये हो गया, सारी चीजें पता है, निकाल लेते हैं फटाफट. सो MR नाउ वुड बी, B कितना है 300, XA कितना था 164.7 into 7 by 2, D कितना है मेरा 600 minus XA कितना था 164.7 by यूनिट वुड बी, जो भी आंसर आ रहा है उसको 10^6 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आपका जो आंसर है वो है न्यूटन मिलीमीटर में. कि हम लोग हमेशा किस में डील करेंगे, ये जो आंसर आता है इसको किस में डील करते हैं, किलोन्यूटन मीटर में. तो न्यूटन को किया तो 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और
मिलीमीटर को फिर से मीटर में क्या दो 10^3 से, वो भी सही है, लेकिन क्या है वो स्टैंडर्ड डील इसमें ही होता है। इसलिए जब डाइमेंशंस लिखते हो वो एमएम स्क्वायर में, जब मोमेंट या लोड लिखते हो वो किलोन्यूटन में या न्यूटन मीटर में। कितना आ रहा है दोनों को ऐड करके देखो ना, मतलब यही MR1 MR2 पहला और दूसरा दोनों पार्ट वही, मतलब 1.5 एम वाला फिगर। अरे बाबा तूने सिर्फ ये सॉल्व किया क्या? ये है MR1 का पार्ट और ये MR2 का पार्ट। क्रॉस चेक और बाकी लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? कितना 160 170 सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर आया? समझ में आया व्हाट इज AST व्हाट इज AC? और समझ में आया पे यहां पे मैंने टेंशन वाला फार्मूला क्यों यूज नहीं किया? इवन दो आई कैन कैलकुलेट द एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील, बट मुझे AST1 और AST2 सेपरेटली पता नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट गो फॉर दैट। ठीक है, Shall we go for next one? नहीं आ रहा क्या? आया है ना यही? So shall we go for next one? So next problem is what? Find out the momentum resistance of the beam shown in figure. Figure तो है ही नहीं, चलो draw कर लेते हैं। So here is the figure. क्या कह रहा है वो? The beam has following dimensions and dimensions लिखे नहीं है क्या? Dimensions तो लिखे हैं, चलो assume ही करेंगे। क्या बोल रहा है वो? 425 mm bar. So what does it says? So this means what? AST or AC? AST. So 1, 2, 3, 4. ये 4 bar है किसके? 25 dia के. 3 bar of So, 3 bar of ठीक है at junction. The bar are 50 mm and 30 meter center respectively from bottom and top. So, कितना कितना बोल रहा है वो? Bottom पे कितना है? Bottom पे है कि कितना है? 50 बराबर। Top पे कितना बोल रहा है? और beam के dimensions दिया नहीं है, तो क्या assume करूं बोलो? B कितना ले लो? 400 300 तो अभी भी दिया है, 350 ले लेते हैं चलो। ठीक है, और स्मॉल डी कितना ले? 500 कितना लेना स्मॉल डी बोलो? 450 बहुत कम हो जाएगा, 500 चलो 550 ले लेते हैं। ठीक है, तो 350/6 तो बी कितना है? तो लेट इट बी, बाकी चीजें लिखी है यहाँ पे। हाँ 550 small d. So now let's write about the solution. ये भी under enforcement आ जाएगा, same ही हो जाएगा। ठीक है, solution. So what you will write? B is equals to small d d dash बराबर AST कितना हो जाएगा? 4 × π/4 × 25² 25 का स्क्वायर कितना होगा? कितना आ रहा है ये? और AST कितना हो जाएगा? 3 bars of वन नाइन सिक्स थ्री पहला वाला, दूसरा। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ये एरिया जो है हमेशा हम लोग 5/4 d² को लिखते हैं? बार तो इतना लंबा होता है,
क्रॉस सेक्शन लेते हैं इसलिए, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 20 स्क्वायर वुड बी 400, 400 इनटू कितना, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी कर जाओगे, 942 पॉइंट, चलो 942 लिख रहा हूँ, डेसिमल तुम लोग देख लेना, ठीक है। दिस इज अबाउट द गिवन डेटा, अगेन सिग्मा सीबीसी विच इज स्मॉल सी, दैट इज हाउ मच, then sigma st, that is your small t, it is how much, okay, clear nahi yahan tak, model ratio bhi diya hai 5 ke liye, itna hi aata hai kya, 19 ko to aata hai na 5 ke liye, to kitna aata hai 280 upon 15 karna, kitna aata hai 15 15, इतना ही आता है, ठीक है, ये हो गया। तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, कैलकुलेट एमआर, फिर से वही काम करना है। तो नाउ नंबर वन, नंबर वन इज so xc is 140, ये अंडर ही आएगा, सॉरी ओ, ये भी अंडर आएगा क्या, 140 इंटू डी का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने, 550 ना, सो यू गाइस सॉल्व इट, कंफर्म इट, देन वी विल राइट। So it is 942, XA is unknown, minus D dash is 30, is equals to 18.66, which is your modular ratio, AST was 1963, na? 1963, point something into D is, so how much is your XA and how much is your XC? XC 219.19. XC कितना है? 219.19. और XA? 211.118. फिर से अंडर ही हो गया ना? इसको रिवाइज करोगे क्या, अगर डी का वैल्यू अगर 450 किया तो, चलो जाने दो, ठीक है, मैं चाहता था कि एक ओवर का प्रॉब्लम हो जाए, तो इसको करवाऊं या कर लोगे, सेम है ना, सो नाउ हाँ मतलब वैसा ही हो जाएगा, जाने दो, भी
उससे प्रॉब्लम कर लेते, उसके ऊपर आएंगे क्या है इसमें ये डिजाइन का, इसको कर दे पहले, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, सो दिस इज गिवन डेटा, व्हाट यू हैव नाउ, A rectangular RC beam simply supported at the end with effective span of 5 meter carry UDL of, so you are having a simply supported beam, span is 1 meter, carrying a UDL of 20, बराबर, इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट। तो ओन वेट की बात कभी फिर कभी जब स्लैब डिजाइन करेंगे तब करेंगे, या जब बीम का पूरा डिजाइन करेंगे तब करेंगे, अभी इसको नोट करो। डिजाइन द सेक्शन यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, द साइज इज रिस्ट्रिक्टेड टू, इसमें इफेक्टिव नहीं बोला है, मतलब ये बी बाय डी पूरा है, अज्यूम इफेक्टिव कवर ऑफ फुट, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, तो इफ यू लुक एट द गिवन डेटा, your b is, your d is, यहाँ पे small d नहीं दिया है, small d is 1, and your d dash is also 1, लिखा इधर, assume effective cover of, this is your sigma cbc, this is your sigma st, तो यहाँ पे हम लोग m का value निकाल लेते हैं, m would be 280 over 3 into 7, that will come 13.33. So this is all about the given data. ठीक है? Diagram तो design करना ही है, तो diagram को बना रहे, तो क्या होगा? Over here, I will provide my ASC. Over here, I will provide my AST. बराबर? ये assume कर रहा हूँ अभी. और ये जो होगा, ये top से 40 मिलीमीटर पे होगा, और ये top से कितना होगा? 360 mm पे. क्योंकि ये जो part है, ये कितना है? 40 mm. ठीक है? Done. Till now. अभी आगे की कहानी क्या है, डिजाइन वाली है। नंबर वन, ये देखो यहाँ पे सब हम लोगों ने जाते जाते लिखा है, ठीक है, कैलकुलेट बीएम, ठीक है। सो नंबर वन, यहाँ पे स्ट्रेस आपके चेंज हो जाएंगे, सो नंबर वन कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, कौन सा बीम था, सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल, so bending moment will be w is 20 na, how much it is, is it okay? Number two, calculate MR of singly balanced section. Calculate MR of singly balanced section. कैसे करेंगे? So MR is equals to Q into BD square, और सिंपली लिखना है तो 1 by 2 C into J into K into BD square, ठीक है।
के का वैल्यू कितना था, 0.288। कौन सा ग्रेड है और क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, राइट में टेबल से ले रहा हूँ वैल्यूज, चलेगा ना, बिकॉज दिस थिंग्स आर ऑलरेडी डन। आप सीधा के का क्यू का वैल्यू भी रिमेम्बर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So which grade we are having? Which grade we are having? 7 और 190 के लिए तो होगा ही नहीं यार, नहीं है ना, 190 के लिए निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 190 जगह इसको 250 कर दूं क्या, 140 कर दूं? हाँ, सॉल्व करोगे तो वो तो आता ही ना, लुक कर लेते, उसमें कोई इश्यू नहीं है सर, जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। सो लेट्स गो फॉर के, ठीक है, सो नंबर वन, लेट्स गो फॉर के, के वुड बी एमसी अपॉन एमसी प्लस टी, कितना आएगा, एम है आपका, एम कितना, 13.33 बराबर, दिस इज 7 अपॉन 13.33 इनटू 7 प्लस 190 कितना आ रहा है, फिर जे का वैल्यू 1 माइनस के ओवर 3, सो 1 माइनस, किया किसी ने क्या कैलकुलेट, 0.82 3-9 लिखा है ना, कितना आ रहा है ये, 0.89 नहीं, 3-9 से कितना आएगा, 0.88 89 ही, 0.89 बराबर आ गया समझ में, ये कैसे निकालना है दोनों। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला, सो MR1 1/2, C कितना रहेगा 7, J कितना है 0.89, K कितना है 0.329, B कितना है 400 ना, D कितना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको दोनों में बोल दो, पहले विदाउट किलोन्यूटन मीटर बोलो ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, विदाउट 10^6 डिवाइड करें बोलो। ये एक्सप्रेशन बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, द आंसर वुड बी इन न्यूटन मिलीमीटर, दिस वुड बी इन कितना आ रहा है, 53.127 ठीक है, इस तरह से बात आगे समझ में, तो अगर आप न्यूटन मिलीमीटर में लिखोगे कितना आएगा इतना, और किलो न्यूटन मीटर में लिखोगे आएगा इतना, इज इट फाइन, सो व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, सो लेट्स फटाफट खत्म करते हैं। सो नाउ जस्ट राइट कंपेयर BNN, so BM is more than MR1, कैसे, 62.5 is more than, that's why go for
फंक्शन, ठीक है। नंबर वन क्या निकालना है आपको, नंबर फोर क्या, नंबर थ्री क्या है, ठीक है। कैलकुलेट AST1, नाउ आई विल राइट क्विकली। सो AST1 वुड बी, तो लेग कर रहा है, MR1 अपॉन J इंटू D इंटू सिग्मा ST, मैं डायरेक्ट लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। MR1 कितना है आपका, अब यहाँ पे लिख रहे हैं आप, इसमें लिखेंगे न्यूटन मिलीमीटर में। रीजन क्या है, क्योंकि आपका सिग्मा ST का जो वैल्यू है, व्हाट आई टोल्ड यू, मोमेंट को आप किससे एक्सप्रेस करते हैं, किलो न्यूटन मीटर में, और जो एरिया डायमेंशन को मिलीमीटर में। ऊपर वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप फिर बुक देखोगे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए ऐसे ही। जे का वैल्यू कितना आया था, 0.89 ना। डी का वैल्यू कितना है, सिग्मा एसटी का वैल्यू कितना है, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर एएसटी 1 था क्या 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 53.1, ठीक है ना, क्या पड़ रहा है, ठीक है इतना। सो यू कैन सी हाउ मच इज योर AST1, ठीक है। चल वी गो फॉर नेक्स्ट वन, नंबर टू इज योर नंबर फोर, कैलकुलेट AST2, how you will do, so AST2 is calculated for remaining moment, total 62 nikal calculate, 62 ke liye design karna tha, 52 ke liye AST1 provide kar diya, the bache ke liye kya provide karenge, AST2, so AST2 is how much, it is MR2 upon kya tha, sigma ST into D minus D dash, barabar। अभी आपका MR2 क्या होता है, MR2 होता है BM minus MRT1, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 62.5 minus 53.12 into 10 raised to 6 divided by 190 into 360 minus 40। अगर किसी को सीधा लिखना है तो वैसे भी लिख सकता है, MR2 would be 9.9 आ गया सबका, ये सॉल्विंग कितना रहा है ST2, 160, वो तो वही रहेगा। यहाँ पे भी लिखो AST is equals to AST1 plus AST1 कितना था, 72.59 कितना रहे, दोनों को ऐड करके देख लो, 10, तो आप टोटल कितना AST प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना, ठीक है। लाओ लास्ट स्टेप इज, आपको सी डैश पता है क्या, यहाँ पे सी डैश नहीं पता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अपना इससे काम हो जाएगा ना। देखो AST निकालना है आपको, AST2 पता है, D पता है, XA पता है या ना, D पता है, AST2 पता है, M पता है, XA पता है, D dash पता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, क्योंकि इसमें आपको C dash भी चाहिए, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो नाउ लास्ट इज कैलकुलेट ASC, what is the formula? So let me write. So ASC कितना होगा आपका? अपन में रहेगा आपका 1.5 m minus 1
क्या आएगा यहाँ पे इंटू एक्स ए माइनस डी डैश बराबर इंटू ऊपर क्या रहेगा एम इंटू एस टी टू इंटू डी माइनस एक्स ए, ये फॉर्मूला रहेगा। एम कितना है 13.3 ना, एस टी टू 154.7, डी कितना है 360, एक्स ए का वैल्यू कितना था निकाला क्या, निकालोगे वो भी, वो भी निकालना ही पड़ेगा। ये हम लोग तो बैलेंस अज्यूम करते हैं ना सिंगली वाले पार्ट को, तो क्या एसी चाहिए ना, तो अपन ने तो सिंगली अज्यूम उसको बैलेंस ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है ना। ए का वैल्यू कितना था 0.89 ना, कितना आ रहा है ये 89 था कि 229 था, 40 है ना। yes. 154 से ज्यादा आना चाहिए थोड़ा, क्या अनिश तो उससे नहीं हो रहा है 81 सर, कितना आ रहा है, हाँ कितना 332, उसका 83 क्यों आ रहा है, ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन जो तुम लोग वो वाला सॉल्व कर लेते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। थ्री ठीक है, उसे यहां पे लिखता हूं प्रोवाइड 16 mm बार कितना, सो हियर नंबर ऑफ बार वुड बी 334.55 डिवाइडेड बाय एक बार का एरिया पाई बाय फोर इंटू कितना आ रहा है, ये नेक्स्ट इंटीजर बता देना सीधा, ये चलो पहले ऐसे लिखो कितना आ रहा है, समझ में आया क्या क्या किया मैंने। अगर टोटल एरिया इतना चाहिए, अगर एक बार का एरिया इतना है तो कितना बार लगेंगे, नहीं वो तो एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, 10 भी लिखो लेकिन जनरली रेनफोर्समेंट के लिए 10 डालते नहीं है, कितना आ रहा है 1.66, सो यू विल से प्रोवाइड, हमेशा बार जब नंबर बार प्रोवाइड करोगे अपर सेट, और स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे तो क्योंकि अगर स्पेसिंग बढ़ा दिया, अगर तुम लोगों के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे ना, तो स्पेसिंग हमको हमेशा जो भी प्रोवाइड करना है वो ज्यादा ही करना है ना, ताकि फेल ना हो, इतने मूवमेंट के लिए इतना चाहिए
तो जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए ना, ताकि स्ट्रक्चर फेल ना हो। अगर सपोज लोड थोड़ा सा भी बढ़ गया, हम लोगों ने डिजाइन किया 20 के लिए, सपोज 21 हो गया, तो योर होल डिजाइन विल बी अनसेफ और इट विल गेट फेल। ठीक है, ये एससी के लिए किया, ऐसे एसटी के लिए करें, यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं इसे प्रोवाइड व्हाट इट वुड बी नंबर ऑफ बार 1026.8 डिवाइड बाय, दोनों का एडिशन 20 mm का एक बार है, एक बार का एरिया अगर इतना है तो टोटल कितने बार लगेंगे अगर इतना एरिया रिक्वायर्ड है तो। जस्ट बेटा क्या बोल रहे तुम केतन? हाँ 16, 20, 25 अभी बार बेंडिंग पढ़ रहे हो ना, बार बेंडिंग में सपने से सब बता देंगे कि जब डिजाइन कर रहे थे सब कुछ तुम्हारे हाथ में, व्हेन यू आर डिजाइनिंग थिंग्स आर इन योर हैंड। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन एट द एंड अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। व्हाट विल डू, राइट ऊपर कितने दो बार थे ना, ठीक है बना लेना अभी वो, पर नहीं गया देखा गया, ये मैंने अभी बनाया है, मैंने स्क्वायर बनाया था। हाँ ठीक, वो क्या लैग कर रहा है इसलिए। ठीक है, एंड हियर टू हियर ओके, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, बार के बीच का स्पेसिंग कितना है वो सब, तो जब एक्चुअल डिजाइन करेंगे तब देखेंगे या डिटेल डिजाइन में।